हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चने की दाल की क्रिस्पी और भुरभुरी नमकीन बनाकर बताऊंगी। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें किचन में काम आने वाली दो किचन टिप्स के बारे में बताया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चने की नमकीन बनाना शुरू करते हैं। आज की किचन टिप 1 है, मिक्सर के ब्लेड की धार तेज रखनी है तो उसमें हर महीने में एक बार नमक डालकर चला दे। मिक्सर के ब्लेड की धार बिल्कुल तेज रहेगी। अब हमारी चने की दाल की नमकीन के लिए सबसे पहले हम भीगी हुई चने की दाल लेते हैं। इसे हमने 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। ये हमारी चने की दाल बिल्कुल भीग कर तैयार है। अब हम इसका पानी जो है छान लेते हैं, मतलब कि इसका पानी बिल्कुल अलग कर लेते हैं और इसे एक अच्छे पानी से धो लेते हैं। अच्छे से साफ पानी से हम इसे धो लेते हैं। ये हमारे साफ पानी से बिल्कुल धुल गया है। अब हम एक कपड़ा लेते हैं और इस कपड़े के ऊपर चने की दाल को अच्छे से फैलाते हुए सुखाने के लिए रख देते हैं। इसे अच्छे से हम सुखा लेते हैं। छांव में इसे हमें सुखाना होता है, पंखे के नीचे आप सुखा सकते हैं। 4 से 5 घंटे में सूख के बिल्कुल तैयार हो जाती है। ये देखिए हमारी सूख के बिल्कुल तैयार है। इसे आप ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं, ये 1-2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अब इधर हम डीप फ्राई के लिए ऑयल गरम कर लेते हैं और इधर हमने डीप फ्राई करने वाली छलनी ली है। इसमें हम थोड़ी सी ये दाल डालते हैं और इन्हें डीप फ्राई करते हैं। इसे हम डीप फ्राई करते वक्त चलाते रहते हैं, बिल्कुल भी छोड़ते नहीं तो ये जल जाती है। आप चाहें तो एक साथ भी ये पूरी दाल डीप फ्राई के ऑयल में डाल सकते हैं और डीप फ्राई कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जब आप ये नमकीन निकालते हैं ऑयल में से तो ये जल्दी नहीं निकलती है, बहुत स्लोली निकलती है और बाकी जो ऑयल में रह जाती है वो जल सकती है। इधर देखिए हमारी ये जो दाल है वो डीप फ्राई हो गई है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी बची दाल को भी अच्छे से डीप फ्राई कर लेते हैं। ये हमारी सारी दाल जो है वो डीप फ्राई हो गई है। अब हम इस दाल को एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हम ऐसे भी स्टोर करके रख सकते हैं, अगर आप डीप फ्राई करने के बाद भी स्टोर करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। अब हम इसमें काला नमक डाल देते हैं, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और चाट मसाला डाल देते हैं इसमें हम, और अमचूर पाउडर इसमें हम डाल देते हैं। और मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसे आप स्पाइसी वगैरह खाना चाहते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमारी ये चने की दाल की नमकीन जो है बनके तैयार है, इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। और हमारी किचन टिप 2 है, नूडल्स उबालने के बाद उन्हें ठंडे पानी में डाल दे। नूडल्स बिल्कुल भी चिपकते नहीं है, बिल्कुल खिले हुए और अच्छे बनकर आते हैं। उम्मीद करती हूँ नमकीन अच्छी लगी होगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।